लो रही इन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर इमली मालिनी को करेगी चैलेंज। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है इमली और चेरी विदा ले रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ आर्यन बुरी तरह से उसकी वही पायल को देखकर यहाँ पर उसे बुरी तरह से परेशान हो रहा होता है। तभी वहाँ पर जंगू आकर उसे संभालता है और कहता है कि मैं अभी चेरी को बुला के लगाता हूँ, लेकिन अब आर्यन उसे रोक लेता है। तो वहीं पर देखने को मिलता है कि अब यहाँ दूसरी तरफ चीनी को अचीनी की और इमली की आरती उतारती है, और यहाँ पर मालिनी आकर इल्ज़ाम लगाती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसकी पर आंखों आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फूटी कोटी है इनको है नहीं, इसलिए इसने पहले चीनी को भेजा और फिर खुद आ गई। जिसके बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर चीनी उसके बदतमीजी करने की कोशिश करती है, लेकिन चीनी को इमली रोक देती है और सच्चाई नहीं बताती और कहती कि तुमसे बड़ी है। तो वहीं पर देखने को मिलता है कि इमली और चीनी यहाँ से जा रहे होते हैं और यहाँ पर नर्मदा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अर्पिता कहती है कि पहले उसकी मर्जी नहीं थी यहाँ से जाने की, लेकिन अब उसकी मर्जी है तो इसे जाने दीजिए, मत रोकिए। तो वहीं पर देखने मिलता है आर्यन से वो टकराती है और एक बार फिर से चीनी उन दोनों का हाथ थाम लेती है, और उन दोनों को ही लगता है कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा है। तो लेकिन यहाँ पर चीनी कहती है कि हमें कहीं नहीं जाना, और वो गुस्सा होकर बैठ जाती है, लेकिन फिर इमली उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन और चीनी यहाँ पर नाराज़ होकर मंदिर में चली जाती है। तो इमली का दुपट्टा आर्यन की वॉच में उलझ जाता है, और फिर वो एक दूसरे पर देखने को मिलता है किस तरह से यहाँ पर फिर से एक दूसरे का पीछा छुड़ा कर फिर इमली देखते हैं कि यहाँ पर चीनी और नर्मदा अर्पिता सभी लोग भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बोतल आती है आग से लगी हुई, और वो उस शीशे को तोड़ते हुए यहाँ पर चीनी पर गिरने वाली होती है, लेकिन इमली उन सबको बचाते नजर आती है, और इमली पर गिरता है वो कर्टिन जिसमें आग लग जाती है, और आर्यन उसे बचाते नजर आता है। देखने मिलता है उसमें एक पेपर भी होता है, और वो किसी और का नहीं इन्वेस्टर्स का है कि आप तुम लोगों ने अगर हमारे पैसे नहीं लौटाए और बहुत ज़्यादा नुकसान भास्कर टाइम्स को हो चुका है, और अब बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो चुका है। और अब इमली को पता चलता है और अर्पिता बताती है कि ये सब कुछ आर्यन का भी ऑफिस नहीं चाहता, इस वजह से वो है, और सब सच्चाई बता देती है। मालिनी ऑफिस चलाती है, और फिर इमली को लगता है तगड़ा झटका। देखने को मिलता है कि अब इमली मालिनी को पता चल जाता है कि ये सब कुछ मालिनी की घटिया हरकत की वजह से हुआ है, और अब इमली चैलेंज कर देती है, और साथ में ही अब आर्यन के कहने के बावजूद भी वो घर छोड़कर नहीं जाएगी और ऑफिस में एंट्री करेगी नए अवतार के साथ और मालिनी के होश उड़ा देगी। और अब सीईओ की पोस्ट कोई और नहीं इमली संभालते नजर आएगी आर्यन की जगह, और मालिनी को धक्के देकर अब इस ऑफिस से निकालते नजर आने वाली है। साथ में ही वो जो न्यूज उसने छापी थी उसकी सच्चाई भी छापेगी और सबसे माफी मांगते नजर आएगी, जिससे कि भास्कर टाइम्स के अब यहाँ पर पूरे शेयर्स ऊपर हो जाएंगे, और उसके बाद मालिनी को इमली ही ऑफिस से धक्के देकर निकालते नजर आएगी।